मेहमान जो है ना हमें छोड़ के जा रहे हैं, पक्की बात है? हाँ जी, सारा इनकार है, दवा खाने से जा रहे हैं। चलो आपकी मर्जी। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, खोलू की तरह अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं जाने का आने का आज में इतनी है ना, बहुत ज़्यादा ये ऐसे इनकार कर दिया है। असलम खान वो गाड़ी में लेकर जा रहे हैं। माशाल्लाह जी, नाश्ता वगैरह जाना जी। तो अभी किचन की जो है ना सफाई कर ली है, मेरा बहुत सारा पड़ा है क्योंकि टाइम जा रहा है। वीडियो जो है ना वो थोड़ा साइड पे हो जाओ, साइड पे। जी मम्मा, माशाल्लाह जी पोछा वगैरह जो है ना झाड़ू पोछा हो गया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, खोलू की तरह अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी ठीक हैं। मेरे बच्चे जो है ना घर में वो ठीक नहीं है, उनके लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें। और बहुत परेशानी होती है, बच्चे ठीक नहीं होते तो हमें भी सुकून नहीं होता। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक ने नेक साल औलाद दे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, घर के अंदर है, घर के बाहर है, जहाँ भी हैं अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करो। आमीन सुम्मा आमीन। नहीं बेटा, आप उधर कमरे के अंदर बैठो, मैं अभी आ रही हूँ आपकी खाला से मिलकर, ठीक है? तो अभी जो है चलते हैं वाइट हाउस में, उधर जो है ना मेहमान आए हुए थे आज। अब हमारे घर नहीं आए सुबह, ना नाश्ता खाया ना अभी तक हमारे घर में आए। उनसे पता करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उधर हैं, नाश्ते का क्या बनाया, उन्होंने नाश्ता किया है कि नहीं किया है, क्या प्रोग्राम है, वो भी चल के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। धूप है, धूप, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी जो है ना दिन ब दिन बढ़ रही है। बाहर निकलने का दिल भी नहीं कर रहा, कहीं जाने का आने का। आज माशाल्लाह ये देखिए ठंडी ठंडी हवा तो चल रही है, लेकिन ठंडी नहीं है, बहुत गर्म है, तत्ती तत्ती है, जैसे लू नहीं खुली होती, गर्म लू वैसे है। इतनी सारा ठाका, और इधर देखिए ऊपर छत बनी हुई है, हवा का शोर ही शोर है। रात को ये बहुत डराता है, ये इतनी जोर जोर से ना ये खड़के लगाता है, खड़के। ओए ओ काले जोड़े, क्या करें ना प्यो? ओ तूफान आ गई, स्कूल पढ़ के आ गए हो? डोर स्कूल से आ गए हो पापा? ये खा रहे हो? खाओ खाओ, चलो चलो अंदर भागो। किधर गए, किधर हैं? छुपे हुए हैं मेहमान, तो इधर बैठे हैं। माशाल्लाह जी, कैसे हो जी? तबीयत सिया ठीक है? माशाल्लाह जी, रात आपकी कैसे गुजरी? अच्छी गुजर गया दिन आज, आज का दिन एंजॉय कर रहे हो? रेडी शेडी हो गए हो? कहीं जा रहे हो? इधर हो, क्या मसला है? अभी जा रहे हैं से घर। अच्छा ठीक है, अम्मी के घर जाओगे? हमारी तो दावत आपने खाई नहीं है, ऐसे कैसे जाओगे? आई में आख, यही में ना आई हो तो दो चार दिन रहो ना इधर। बच्ची है ना वो बहुत छोटी, और आपके जो है ना मवेशी वगैरह तो है ना। सही हो गया जी। और सुबह के आप उधर आए नहीं है, नाश्ता वगैरह खा लिया है नहीं खाया है? नाश्ता वगैरह खा लिया। अच्छा, ओए नहीं करो, शोर नहीं करो, तैयार हो गए हम। अच्छा अच्छा, इजाज़त मांग रहे हो, ना दे तो फिर सुकून से बैठे रहो। गर्मी है बहुत ज़्यादा, बाहर नहीं निकलो, गर्मी लगे। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। बच्चों की कैसी तबीयत है?
बच्चों की तबीयत कुछ की बेहतर है कुछ की नहीं है, बस एक मेहरान की ठीक है, बाकी बच्चियां जो है ना उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और कल की मैं भी साथ जुड़ चुकी हूँ। हाँ बस अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह। अच्छा जी, आपकी कहीं तैयारी हो रही है या चार्जिंग वगैरह? शार वांजरा चार्जिंग उठाए हुए हैं, डब्बे उठाए हुए हैं, कभी रखो भी सही मोबाइल। मोबाइल बेचने हैं तो क्या आपको पता है बेचने होते हैं? हाँ बेचने होते हैं बिल्कुल, जो लेते हैं वो बेचते भी हैं। सही हो गया जी। आप इनके साथ जा रहे हो, पैदल जाओगे? इनके साथ। ओके साहिबा आप जा रही हो? नहीं मैं नहीं जा रही। आप घर में हो? ठीक हो गया जी। माशाल्लाह जी वाइट हाउस में पहुंच चुके हैं और इधर की जो गपशप की हाल हवाल था वो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। इनके रूटीन क्या बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, ये हमारी दावत खा के नहीं जा रही, ये कहती है कि मैं दावत खाऊंगी ना ये फिर हमें तंग करेंगे, ये हमारे घर आ जाएंगे, तो इसलिए ये रोक रही है ऐसे। हाँ जी ना आए मेरे घर। ये अपने मुंह से बता रही है हाँ जी, मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं आपकी दावत खाती और आप भी मेरे घर नहीं आना। मेरे घर आ जाना। अच्छा नाराज है तुमसे? फिर हम भी नाराज है तुमसे क्योंकि आप आ गई हो ना हमारे घर में फिर छोड़ के जा रही हो। चक्कर लगाना ना आप पर कदम मेरे घर में चक्कर नहीं लगाना, मैं इस तरह घूमना फिर आओगी मेरे घर दावत खाओगी। पता ही अलीपुर जब आते हैं एक दिन सुबह निकलते हैं शाम को वापस, फिर आपको पता है मिनट दो मिनट बुलाए भी चक्कर भी लगा देना। हाँ इंशाल्लाह जिंदगी रही तो लगाएंगे। चलो जी आपकी वर्दी है, आज ना जाओ ना, आज रुक जाओ फिर इंशाल्लाह कल जब चले जाना। टाइम बहुत हो गया पता है, टाइम बहुत हो गया, 12 बज रही है। चलो सारा दिन आप कहाँ गर्मी में धक्के खाओगे, सुकून से बैठो, ये देखे पंखा चल रहा है इधर बैठते हैं, नहीं तो मेरे घर चलो। खाला है मेरी ना। कल चली जाना, खाला जो है फिर क्या हुआ। चलें जी ठीक हो गया, आपकी मर्जी जैसे आपका दिल करता है ठीक है, हर किसी के घर के मामलात होते हैं, कोई किसी को नहीं रोक सकता ठीक है। इंशाल्लाह खैर से जाएं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हाँ देखने वाले बहन भाई कहते हैं जो भी आए ना उसको जाने दिया करो, ये नहीं है क्योंकि घर छोड़ के आपके यहाँ बैठा तो नहीं रहेगा ना, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो गप्पे शप्पे लगाते रहेंगे, चक्कर भी लगाते रहेंगे। अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद आपका कामयाब हो जाए, और आप लोग उन्हें कोशिश करनी है, बहुत कोशिश करनी है अपने चैनल के ऊपर ना, फोकस करना है, अच्छी अच्छी वीडियो बनानी है, मेहनत करनी है ठीक है, अल्लाह पाक कामयाबी देगा इंशाल्लाह। ओके हो गया जी। इधर जो है ना गाड़ी को नहला रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी है ना बहुत ज़्यादा, ये हो जाएगी ठंडी और ये निकल जाएंगे शहर की तरफ, मेहमान भी इनके साथ हैं। वो देखें शापरमा पर उन्होंने उठा लिया है। चलें जी मेहमान भी अपने घर की तरफ जा रहे हैं और हम भी जाते हैं अपने घर की तरफ, घर की जो बाकी के काम वगैरह पड़े हैं वो करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। मेहमान जो है ना हमें छोड़ के जा रहे हैं, पक्की बात है? हाँ जी सारा इनकार है, दवा खाने से जा रहे हैं। चलो आपकी मर्जी। चलें जी मेहमान जो है ना जा रहे हैं हमें छोड़ के, हमारी दावत खाने से इनकार कर दिया है असलम खान, वो गाड़ी में लेकर जा रहे हैं, वो देखें गाड़ी भागा के चले गए। चलें हम भी चलते हैं अपने घर की तरफ क्योंकि उन्होंने दावत खाने से मना कर दिया, अभी जा रहे हैं अम्मी के। आमना उधर है, आ जाओ अंदर जल्दी करो। अम्मी के यहाँ जा रहे हैं उधर से होके, शायद उधर रात रहें या निकल जाएं ये कुछ पता नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम बहावलपुर जा रहे हैं,
कौन सा इरफान के पास आज जाते हैं या कल जाते हैं ये कुछ पता नहीं है। इधर हमारे घर से इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर एहसान इधर आओ, इधर हमारे घर से वो कर चुके हैं अलविदा। अल्लाह खैर करे वो खैरियत से अपने घर पहुँचे, हमारी दुआएं हैं पहुँच जाएं, हमारी दुआएं उनके साथ। जो भी मेहमान आता है आखिर वो घर को तो जाता है, कोई भी किसी के घर में पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मेहमान इस चीज़ का नाम है, दो चार दिन का मेहमान है। चलें गपशप लगा लिया, रात को उन्होंने हमारे यहाँ खाना खाया था जितनी उनकी तलब थी, वैसे वो एक दो दिन रहे हैं, कौन सा वो साल रहे हैं, पूरी बस्ती थी घूमे फिरे तो आज वो चले गए हैं। खैर अल्लाह पाक खैर करें, तकरीर मेरी बहुत लंबी हो गई है। ठीक है जी, माशाल्लाह जी नाश्ता वगैरह जो ना सुबह का हो चुका है, हमने बना लिया खा लिया है और अभी बारी आती है बर्तनों की, क्योंकि खाना वगैरह बन गया है खा लिया है तो अभी जो है ना बर्तनों की करनी है, गुलाम की धुलाई और झाड़ू पोछा जो है ना वो भी लगाना है। मम्मा हट जाओ, ये बर्तन वगैरह सारे इकट्ठे करके बाहर रख देती हूँ। पहले जो है ना झाड़ू लगा लूंगी, फिर बर्तनों की धुलाई करूंगी। इधर की किचन की सफाई कर लूँ, फिर आगे कमरों की सफाई करूँगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके जी, तो अभी किचन की जो है ना सफाई कर ली है, अभी बारी आती है कमरे की। ये देखें चार पाइयों का जो है ना ये बाण, ये टूटा हुआ, ये अभी बनानी है। तो अभी जो है ना कुछ हालात ठीक नहीं है तो इसलिए इसके ऊपर चादर बिछा देती हूँ, क्योंकि ये छुप जाए तो इंशाल्लाह जब गुंजाइश हो जाएगी फिर इसका जो है बाण वो ले आएंगे और इसको बनाऊंगी। इधर की सफाई कर लूंगी तो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले कलेक्शन में। कंप्यूटर बेटा बंद कर दो, मैं इधर झाड़ू लगा रही हूँ, थोड़ा साइड पे हो जाओ, साइड पे। हाँ जी
झाड़ू जो है ना अभी लगा दिया है, अभी लगा रही हूँ पोछा। पैर गंदे नहीं करो, मैं अभी पोछा लगा रही हूँ, फिर ये खराब हो जाएगा। पीछे हो जाओ पीछे। हाँ जी हाँ जी, गंदे पाँव नहीं करने। ओके हो गया, जूता पहन के फिर आपने पाँव धो के बैठना है। चलो अभी उधर बैठो कुर्सी पे, खाना खा लो, गिराना नहीं है, ठीक है? ओके ओके आ गया जी। डेली जो है ना, डेली के बहन भाई बोलते हैं कि समीना जो है ना ये चार पाई के ऊपर बैठी रहती है, ये काम वगैरह कुछ नहीं करती है। तो आज जो है मैं अपने घर की जो भी रूटीन होती है डेली की वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तबीयत भी मेरी ख़राब है। तो घर के काम जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता करती रहती हूँ, तो वीडियो जो है ना कभी टाइम से कंप्लीट हो जाती है, काम अभी मेरे कंप्लीट नहीं होते, तो इसलिए कुछ होती है घर की रूटीन, कुछ इधर उधर से गप्पे लगा के वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, घर के काम जो है ना वो भी मैं करती रहती हूँ। अभी जो सुबह का नाश्ता बनाया था वो के लिए मैंने नहीं डाला था, तो मेहमान की जो है मेहमान थे इधर वो चले गए, उनके क्लिप मैंने डाले, और घर की जो है ना सफाई वगैरह की है, पोछा वगैरह लगाया है, बस ये लास्ट काम है पोछे वाला, ये मेरे घर की सफाई कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी लास्ट में रह गए वो देखे बर्तन, अभी तक मेरे बर्तन पड़े हैं उधर नल के खड्डे में, तो वो धो के ना भी होश होके मैं सो जाऊँगी, फिर मुझे 3-4 घंटे जो है ना होश भी नहीं होता, मैं इतना थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, बतावा ना।
बेटा ठंडा पानी मुझे पिला दो, मैं थक गई हूं, मुझे खुश्की हो गई। आपको पानी चाहिए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। माशाल्लाह जी पोछा वगैरह जो है ना झाड़ू पोछा हो गया। अभी ये देखे धूप कितनी ज्यादा आ चुकी है, गर्मी हो रही है, तो लास्ट काम ये बचा बर्तन वाला, ये बर्तन धुलाई कर लूं और मुझे पसीना चेक करें, पसीना मुझे कितना आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है इसलिए ना मेरी तबीयत बहुत ज्यादा, जब मैं ज्यादा काम करती हूँ ना तबीयत खराब हो जाती है, तो इसलिए मैं बहन भाइयों के साथ ज्यादा शेयर भी नहीं करती। कभी मैं कैसी हालत में होती, कभी सर पे दुपट्टा होता है, कभी नहीं होता है, कभी मैं कहीं पर लेट जाती हूँ, थक जाती हूँ, कभी उठ जाती हूँ, तो इसलिए ना ज्यादा वीडियो शूट नहीं करती। चलो आज मैंने अपने बहन भाई के साथ मैंने शेयर कर दिया रूटीन डेली का काम, तो ये जिंदगी का हिस्सा है, रोज ही होते हैं, करने पड़ते हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, उनको तो संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है, ये औरतों की जिम्मेदारी होती है, ये काम उनके हिस्से में होते हैं, वो करते हैं। जी तो प्यारे बहन भाई अभी वीडियो जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन काम जो है ना अभी मेरा बहुत सारा पड़ा है, क्योंकि टाइम जा रहा है, वीडियो जो है ना वो अपलोड भी करनी है, तो अभी लेते हैं आपसे इजाजत। आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर देना है। तो अभी लेते हैं आपसे इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे शाम वाले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।